नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज देवों के देव महादेव की आराधना का प्रमुख त्योहार महाशिवरात्रि है। ऐसे में सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी शिवालय महादेव के जयकारों से गूंज रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। वहीं काशी में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। काशी विश्वनाथ महादेव के श्रृंगार और आरती की मनमोहक तस्वीरें भी सामने आई हैं। बाबा भोले की नगरी काशी में आज महाशिवरात्रि के पर्व को महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है। सुबह से भोले बाबा को जल अर्पित करने और दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। देखिए हमारे संवाददाता मदन मोहन शर्मा की एक खास रिपोर्ट। भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी। आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है और इसको लेकर के कहा जाए तो काशी में जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंच गए। सुबह में आप देख सकते हैं, सुबह से लोग जो है कतारबद्ध होकर के जो है बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। और उसके बाद कहा जाए तो आज जो है 10 बजे तक के अगर हम बात करें तो लगभग 5.5 लाख श्रद्धालु जो है यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। तो ऐसे में जो है काशी जो महादेव की नगरी कही जाती है और यहाँ पर कंचन में बाबा विराजते हैं, तो ऐसे में आज महाशिवरात्रि का त्योहार है। और शिवरात्रि पर जो दूर दराज से अगर हम बात करें तो सिर्फ काशी नहीं, काशी से आस पास के राज्यों से भी लोग जो है यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात भी करेंगे। कहा जाए कि देर रात के बाद जो है लोग लाइन में लगे थे और कतारबद्ध होकर के दर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं? आंध्र से आए जी। अच्छा, आंध्र से। कितने देर से लाइन में लगे हैं? 1-2 घंटे के हो गए। 2 घंटे हो गए अभी तक दर्शन नहीं मिला? नहीं मिलता जी। अच्छा, अभी कृष्ण का भी क्या भी नहीं, क्या भी नहीं, हिंदी अच्छा अच्छा मालूम है, थोड़ा थोड़ा मालूम मेरे को। अच्छा अच्छा, ओके। क्या मनोकामनाएं लेकर आए हैं? कुछ अंदर में है बाबा का दर्शन करने के लिए? क्या पहली बार आप वाराणसी पुण्य क्षेत्र को? मैं एज 62, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई कैम हियर। अच्छा, पहली बार आए? या, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। अच्छा, सो आई फील वेरी हैप्पी एंड आल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ओके ओके, थैंक यू। कहाँ से आ रहे भैया? गाजीपुर से। गाजीपुर। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने देर से लाइन में लगे? 1.5 घंटे से। 1.5 घंटे से? 1.5 घंटे से अभी तक दर्शन नहीं मिल पाया जी। नहीं, क्या मनोकामनाएं लेकर आए हैं? आज महाशिवरात्रि है, थर्ड टाइम है, बस दर्शन करना है, कोई मनोकामना नहीं। अच्छा, अभी तक दर्शन नहीं मिल पाया जी। नहीं, कुछ लोग और भी हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आ रही है? प्रतापगढ़ से आ रही है। कब से लाइन में लगी यहाँ? 1.5 घंटे से। 1.5 घंटे हो गए अभी तक बाबा का दर्शन नहीं मिला है? नहीं। आज महाशिवरात्रि भी है, किस तरह से त्योहार को मना रही है? बहुत खुश है और अच्छा लग रहा है इतनी देर लाइन में लग के। बाबा चाहते हैं हम देर तक उनके घर उनके लिए इंतजार करें, फिर हम इंतजार के लिए क्या कहेंगे? यही कि हमें मिलना है और स्टडी के बारे में और बहुत सारी मनोकामनाएं हैं। हम और बाबा से मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए बाबा से मिलने जो है सौभाग्य की बात मानी जा रही है। अगर कहा जाए तो यहाँ पर काशी में जो है 3 दिनों से जो है बाबा का जो है ये महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। आज महादेव की शादी जो है गौरव यानी कि पार्वती जी के साथ होगी, इसको लेकर के लोग जो है शिवरात को भी लेकर के यहाँ पे आएंगे। तो ऐसे में कहा जाए तो आज माहौल जो है काशी में पूरी तरह से जो है शिवमय हो चुकी है। हर हर महादेव के नारों से जो है पूरी काशी गूंज रही है और तमाम भक्त जो है कतारबद्ध होकर के जो है दर्शन कर रहे हैं। और उसे कहा जाए तो देर रात्रि से जो लोग यहाँ पे पहुंचे थे और आकर के जो है बाबा का दर्शन किया है, बहुत से लोग तो दर्शन करके लगभग हम जैसा कि पहले भी बताया कि 10 बजे तक लगभग 5.5 लाख लोगों ने जो है बाबा का दर्शन किया, जलाभिषेक किया है। और ऐसे में अगर कहा जाए कि प्रशासन की तरफ से जो है पूरी व्यवस्थाएं की गई है, किसी भी प्रकार के जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनको असुविधा ना हो, ऐसे में प्रशासन जो है पूरी तरह से जो है श्रद्धालु को कहा जाए तो उनसे लेकर के जो है रेड कार्पेट भी बिछाया गया है। वही जो है लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जो है उनको जो दर्शन भी कराया जा रहा है। तो इस तरह से कहा जाए तो आज महाशिवरात्रि के पर्व जो है लाखों श्रद्धालु जो है दर्शन कर चुके हैं। अगर बात करें कि देर शाम तक जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग 10 से 12 लाख श्रद्धालु जो है काशी में जो है आज
बाबा का दर्शन करेंगे। तो वही अगर हम महाप्रसाद की बात करें तो जो जो भगवान भोलेनाथ को जो है जिस तरह से कहा जाए तो जलाभिषेक किया जाता है, दुधाभिषेक किया जाता है, साथ ही साथ जो है रुद्राभिषेक भी लोग करते हैं। जो बाबा को पसंद है, जो धांग है और धतूरा जो है उनको चढ़ाया जा रहा है, बिलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं, फूल मालाएं से जो है बाबा को जो है और कैसे जो है अपने औगत आनी को मनाना है, किस तरह से जो है जैसे भगवान शिव को जो है मनाना है, क्या मनोकामना है पूरी तरह से कहा जाए तो यहाँ पे लोग काशी में आ रहे हैं। खास करके अगर बात करें जब से विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, कॉरिडोर बनने के बाद जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है और प्रतिदिन अगर आम दिनों की अगर हम बात करते हैं तो 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु जो है काशी में आते थे और यहाँ पे आकर के दर्शन करते थे। लेकिन अगर आप बात करते हैं महाशिवरात्रि की तो शिवरात्रि में लगभग 10 से 12 लाख श्रद्धालु जो है शाम तक दर्शन करेगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरे देश में भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। इसी क्रम में बुंदेलखंड के बांदा में भी महाशिवरात्रि में शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं का जबरदस्त हुजूम देखने को मिल रहा है। बांदा के वामदेवश्वर मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। हम वामदेवेश्वर मंदिर आए हुए हैं महाशिवरात्रि पर्व पर, वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है, यहाँ पे काफी श्रद्धालुओं की भीड़ भी है। मंदिर में यह है कि महाशिवरात्रि पर जो है तो मतलब बाबा भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार होता है और लाखों श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। हम वामदेव ये आकर्षक का केंद्र है, बहुत ही अच्छा। हर साल यहाँ जिस तरीके से भीड़ है, हर साल की बात ही इसी तरह भीड़ होती है। बहुत उत्साह पूर्वक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये जो है दोपहर रात में 1 बजे से भीड़ इसी तरह बराबर चल रही है और रात में 12 बजे तक ऐसे ही चलेगी बराबर, इतनी भीड़ होगी। सारी मुरादें पूरी होती है यहाँ पर आने से। एक लोटा जल भी चढ़ाएंगे उसमें भी आपका सब कुछ पूरा हो जाएगा, हर चीज। इधर पर जो शिवलिंग है ये सीता युग से चली आ रही है। जो राम जी वनवास में जब गए हुए थे तो महर्षि वामदेव जी जो थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। ये मूर्ति कहीं प्रकट हुई हुई है, ये कोई मूर्ति यहाँ त्रेता युग से है नहीं, स्थापित नहीं की गई। ये जो है यहाँ पर प्रकट हुई है। यहाँ पर जो भी आता है यहाँ पर नंदी नहीं है, पहली चीज तो ये। हर जगह आपने देखा होगा, बहुत जगह हर जगह नंदी महाराज आपको मिलेंगे। यहाँ पर नंदी जी की मूर्ति नहीं है, यहाँ पर केवल भोलेनाथ है। जो आप आएंगे तो बहुत देखिए भव्य भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, दर्शनार्थी चला आ रहा है। रात में 12 बजे से हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं सेवा में, भक्तों के आते जा रहे हैं, लोग यहाँ से निकलते जा रहे हैं। आज भी अभी भी देखिए आप 6 बजने जा रहा है, देखिए कितनी भीड़ है यहाँ। महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरे देश में भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंच रहे हैं मंदिरों में, जयकारे लगा रहे हैं। बदायूं के सिद्ध बरौलिया के शिव मंदिर में भी श्रद्धालुओं का जबरदस्त हुजूम देखने को मिल रहा है। मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है। वहीं मंदिर प्रशासन ने भी भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं को सुविधा देने के इंतजाम किए हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और ये पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कि माना जाता है कि आज के दिन जो माँ पार्वती और भगवान शंकर की जो पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इसी बात के लिए देख मंदिर पर उपस्थित है। और हम यहाँ दिखाना चाहेंगे आपके लिए कि शिव भक्तों की किस तरह से बहुत बहुत लंबी कतारें लगी हुई है। इस मंदिर से कुछ जुड़े हुए रहस्य भी हैं जो कि हम आपके लिए बताएंगे। जैसे कि मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि जब कांवड़ियों की भीड़ और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है उसे दिखाएं कि मंदिर पर किस तरीके से जल अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। उसी के साथ हम कहना चाहेंगे देखो ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है माना जाता है। यहाँ पर पांडवों ने भी वनवास काटा था। यहाँ पर 200 बीघे से ज्यादा का वन है और हम आपके लिए दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक रहस्यमय गुफा है, उसे भी हम आपके लिए दिखाएंगे। इससे पहले हम पहले बात करेंगे यहाँ के महंत जी से बात करना चाहेंगे। इस मंदिर की कुछ विशेषता जानने के लिए और बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है सोनदास जी महाराज जो सीताराम सभी भोलों को जय बोलेगी। हाँ बाबा, इस मंदिर की क्या विशेषता है और इसके बारे में क्या बरौलिया में और प्राचीन हमारी गुफा है और भीड़ के हिसाब से आप देख ही रहे होंगे
कोई मीडिया, यहाँ पर ऑटोमेटिक चमत्कार होते हैं, ना किसी बाबा से होते हैं। ये पावन भूमि है, परशुराम जी के पिताजी की भूमि है, तपोभूमि है। यहाँ पांडवों ने अज्ञात वास काटा है, ये हमारे देवताओं की बनाई हुई। बाबा यहाँ पर एक गुफा मान लेते, कुछ गुफा का क्या रहता है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? हाँ, गुफा के बारे में इसका तो कोई पार नहीं पाया, शासन ने भी अंग्रेजनों भी इसका लगाया। ये विश्वकर्मा की बनाई हुई है, देवताओं की बनाई हुई है। हमसे 100 साल वालों से, बड़े बूढ़ों से पूछोगे तो वो भी ये कहेंगे हमको राज बना देंगे। ये चमत्कारी रहस्यमयी गुफा है, इसको रहस्यमयी गुफा कहा जाता है। जो भी जाते हैं बच्चे, जाते हैं 5-5 कोटियों तक, 6-6 फट वाले बच्चे, उधर ऑक्सीजन कम हो जाता है। माना जाता है कि ये एक रहस्यमय गुफा है यहाँ पर, जिसकी कोई अभी तक कोई तहे नहीं मिल पाई है। माना था आगे जाकर 5 कोटरी और कुएं हैं, कुएं से मतलब कि हम आपके लिए बताना चाहेंगे और थोड़ी देर में हम आपके लिए गुफा के भी दर्शन कराएंगे। ठीक है, मैं विकास कश्यप, कैमरामैन राजीव सक्सेना के साथ आज की खबर। दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।